दोस्तों आप मेरे पीछे का नीला समुद्र देख रहे होंगे, कितना खूबसूरत, कितना मेसमराइजिंग है ये। अभी मैं हूँ रामेश्वरम के, मैं जो मेन टेंपल है रामनाथ स्वामी का, उस टेंपल के पास का एरिया है ये। और अब मैं जाने वाली हूँ पम्बन ब्रिज की ओर। पम्बन ब्रिज दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। रामेश्वरम बेसिकली एक आइलैंड है और रामनाथपुरम करके डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तमिलनाडु की। तो रामेश्वरम रामनाथपुरम से एक ब्रिज से जुड़ा हुआ है और उस ब्रिज का नाम है पम्बन ब्रिज। तो मैंने सुना है कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत जगह है, देखने लायक है, वहाँ सनसेट बहुत अच्छा दिखता है। तो दोस्तों चलिए आप भी मेरे साथ चलिए और देखते हैं कि आज की शाम हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। दोस्तों पम्बन की तरफ जाने वाले रास्ते में हमने एक राइट टर्न ले लिया है और अब हम पहुंचने वाले हैं बाणगंगा बीच। ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी का एक समुद्र है। चलिए आइए देखते हैं कि कैसा है। तो ये पहली झलक है इस बाणगंगा बीच की और इस पहली झलक में जिस बात ने मन को छू लिया है वो बंगाल की खाड़ी के इस नीले बैकग्राउंड पर बने हुए इस शंकर भगवान के मंदिर में है। कितना खूबसूरत मंदिर है ये। तो सुबह हमने बंगाल की खाड़ी के समुद्र तट पर बने हुए विभीषण के मंदिर को देखा था। तो कितनी खूबसूरत जगहों पर चुन चुन करके ये मंदिर बनाए हुए हैं और ये मंदिर बने हैं तो इसलिए हम यहाँ आ भी पा रहे हैं। ये बोर्ड लगा हुआ है और ये बोर्ड हमें बताता है कि इस जगह का नाम विलोंडी तीर्थम है। रामायण की कथा के अनुसार लंका पर जीत हासिल करके भगवान राम रामेश्वरम पहुँचे और यहाँ पर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की जो रामनाथ स्वामी मंदिर में है। इस दौरान सीता जी को बहुत प्यास लगी तो चारों तरफ समुद्र था, पानी नहीं था पीने के लिए। तो भगवान राम ने अपना तीर चलाया और तीर समुद्र में जिस जगह पर जाकर के उसने जिस जगह को चीरा वहाँ से मीठा पानी निकला जिससे सीता जी ने अपनी प्यास बुझाई। तो इस जगह के तीर्थ बनने के पीछे की ये कहानी है। तमिल भाषा में विलोंडी का मतलब ही है वो जगह जिसको तीर ने चीरा हो। समुद्र में मीठे पानी का स्रोत या कहें स्प्रिंग होना मुझे काफी दिलचस्प लग रहा है और अब मैं इसकी तरफ बढ़ रही हूँ। ये कुआं काफी गहरा है, इसमें से पानी निकालने के लिए लंबी रस्सी की जरूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि और भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ऐसा लगता है कि वो इसके बंदोबस्त में लगे हुए हैं। तीर्थ का ये पानी है और इसको पीने की बहुत मान्यता है। मैं भी इसको पीना चाहूंगी। Thank you.
एवरेज। गाड़ी को चलते हुए देखना अपने आप में एक अलग ही एहसास है, एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग ये दे जाता है। ऐसा क्यों है मुझे बिल्कुल इसके बारे में नहीं पता है, पर जो बात इस समय मैं यहाँ समझ पा रही हूँ वो ये है कि अगर वो ट्रेन समुद्र के ऊपर से गुजर रही हो तो वो और भी शानदार लगती है, और भी उसमें मज़ा आ जाता है। रेल काफ़ी धीरे धीरे गुजर रही है इस पुल के ऊपर से। 1911 में इसको बनाना शुरू किया गया था और 1914 में ये ब्रिज जो है वो बन करके तैयार हो गया था। पिछले 108 सालों से इस ब्रिज ने रामेश्वरम और पम्बन आइलैंड को मंडपम, रामनाथपुरम की मंडपम नाम की जगह से जोड़े रखने का काम किया है। अब आपको जो व्हाइट कलर का गेट दिखाई दे रहा है, जब बड़े शिप आते हैं तो इस गेट को खोल दिया जाता है और फिर शिप गुजर जाते हैं तो इसको फिर से बंद कर दिया जाता है, और ये इतना मजबूत है कि ट्रेन भी इसके ऊपर से गुजर सकती है। ये ब्रिज काफ़ी पुराना हो चुका है और इसको लगातार मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आप देख सकते हैं कि एक नए रेल के ब्रिज को बनाने का काम भी जोरों शोरों से चल रहा है। ट्रेन ब्रिज के बाद अब एक नजर डालते हैं इस रोड ब्रिज पर। बहुत सारे जहाज यहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। अब ये वो नज़ारा है जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। पम्बन ब्रिज से सूरज ढलते हुए हम देख रहे हैं और कितना देखिए खूबसूरत लग रहा है ये, पर केवल खूबसूरत ही शब्द नहीं है, बहुत सारी फीलिंग्स आती हैं एक ढलते हुए सूरज को देख करके, और जब वो इतना खूबसूरत दिख रहा हो, बेसिकली मैं कहूँगी कि मेरे पास शब्द ही नहीं है इसको डिस्क्राइब करने के लिए।
शाम के इस समय ये ब्रिज काफी बिजी है, टू व्हीलर से लेकर के बसें, ट्रकें, कारें सब जा रही हैं। और जैसे ही कोई भारी व्हीकल जाता है, जैसे ट्रक हो गया या बस हो गई, तो ऐसा लगता है जैसे ये ब्रिज हल्का सा हिल रहा हो, सस्पेंशन ब्रिज जैसी फीलिंग आती है अंदर से। लेकिन ये सस्पेंशन ब्रिज नहीं है, ये पक्का ब्रिज है। और इस तरीके से आज का सूरज भी ढल गया, आंखों से ओझल हो गया, पम्बन ब्रिज से उसकी खूबसूरती हम देख पाए, अपने पीछे अपने चले जाने के निशान वो छोड़ गया है। इस समय जिस तरीके से इस जगह को एक लालिमा ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, उसके आधार पर यही कहा जा सकता है। दोस्तों, सनसेट हो गया है, सूर्यास्त हो गया है, यहाँ पर नज़ारा बहुत ही खूबसूरत हो गया है। और यहाँ से निकलने का भी समय आ गया है। अब मैं मोबाइल को बंद करूँगी। यहाँ पर काफ़ी और भी लोग हैं जो मज़े लेने के लिए आए हुए हैं, तो थोड़ा मैं इस पर वॉक करूँगी और देखूँगी कि और क्या कुछ चल रहा है पम्बन ब्रिज पर। शानदार होते हैं कि ऐसा लगता है कि वो एक दिन की नहीं बल्कि कई दिनों की बात हो। आज सुबह रामनाथ स्वामी मंदिर में सनराइज से लेकर के पम्बन ब्रिज में सनसेट तक काफ़ी कुछ देखने को मिला, काफ़ी कुछ समझने को मिला, काफ़ी समुंदर के कई तट देखे, कई किनारे देखे, और बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही शानदार रहा। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि एक दिन की बात है, इस दौरान जैसे कई दिन जी लिए होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिनों के लिए अब एक तरीके से रिफ्रेशमेंट भी हो जाता है और अगले कई दिन तक ताजगी से भरपूर रहेंगे और यादों से भरपूर रहेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से रामेश्वरम में मेरी जो डेढ़ दिन का ट्रिप था वो करीब करीब अंत की तरफ आ गया है। कल सुबह ट्रेन है, उसी में यहाँ से वापस पहुँच जाऊँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको चक्का जिंदगी का ये एपिसोड भी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, मुझे काफ़ी खुशी होगी आपके कमेंट्स देख करके। तो दोस्तों, अब मैं आपसे अलविदा कहती हूँ। अलविदा दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलेंगे चंकाई ज़िंदगी के एक नए एपिसोड में एक नई जगह के साथ। बाय।